वो समझ नहीं आ रहा है वो कैसे, मतलब कैसे पुट करना है। जब आपको इनवर्स दिख जाए पुट कर दो। नहीं सर, मान लो कोई क्वेश्चन दिया टैन इनवर्स और कोई उसके बीच में कुछ भी दिया है, तो सर उधर हम कैसे पता लगे कि हम ये साइन पुट कर रहे हैं और सेक पुट करना है हमें। अब मेरे को सवाल भेज देना बेटा, मैं आपकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ, ठीक है? भेज सर देखिए देना। सर, और क्वेश्चन तो बहुत सारे का पता ही नहीं लग रहा कैसे पुट करना है उसमें और क्या पुट करना है कब। लो, दो तीन बच्चे हैं, मैं उनका नाम लेकर के बता रहा हूं कि अगर ग्रुप में कोई क्वेश्चन पूछता है तो मेरे को तुमसे आंसर पहले चाहिए। केशव तुमको आंसर देना है, अंकिता बेटा आपको देना है, एक अंशुल करके भी यस बच्चा, सर, दिव्यांशु आपको भी देना है, दिव्या बेटा आपको भी देना है, जेसिका बेटा आपको भी देना है, काव्यांश को देना है, एंड पीयूष को भी देना है, प्रगति को भी देना है, सरिता को देना है, बच्ची का नाम पता नहीं क्या है, सूरज एंड एक और कुछ ठाकुर वंश एंड एक और बच्चा था, मैं भूल रहा हूं उसका नाम, ठीक है? इन बच्चों से मेरे को आंसर चाहिए। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग अच्छा करोगे, तो अगर ग्रुप में कोई डाउट पूछता है ना तो यू गाइज विल सॉल्व डाउट बिफोर मी, मेरे से पहले आपको। एक बच्ची ने डाउट पूछा, कोई सॉल्व नहीं किया, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये नहीं था कि केशव तुमसे भी सवाल नहीं होगा, एटलीस्ट गलती मुझे चाहिए, ठीक है? सीखा एक्टिव रहो ग्रुप में, वो ग्रुप मैंने बनाया ही इसलिए है ताकि पढ़ने वाले बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो। चलिए जी, एनीवे बेटा स्टार्ट करते हैं रिलेशन फंक्शन में, कंपोजिट फंक्शन के सबसे लास्ट टॉपिक हो, और ये है कंपोजिट फंक्शन का यूनिफॉर्मली मैंने पढ़ा दिया था, आइडिया आप ले सकते हो पीडीएफ में, अगर कुछ क्वेश्चन छूटते हैं तो बेटा दूसरे बैच में मैंने पढ़ा के रखा है। दूसरे बैच में पढ़ाने का फायदा यह है कि सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, तो इन केस अगर उस क्वेश्चन में फंसते हो तो देख लो। आज के लेक्चर में बेटा हम पढ़ने वाले हैं नॉन यूनिफॉर्म के बारे में, ध्यान से समझिएगा। आज का जो भी लेक्चर होगा कंपोजिट फंक्शन के ऊपर, उसमें हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड कंपोजिट फंक्शंस। नॉन यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूं, एकदम शुद्ध गंवार लैंग्वेज में, तो उसको बोला जाता है बेटा मैं नॉन यूनिफॉर्मली, मतलब कहीं पे या इतना है, कहीं दूसरे जगह इतना है, कहीं दूसरे जगह इतना है। अगर ऐसी शक्ल का क्वेश्चन आपको दिख जाए तो बेटा आप समझोगे कि नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड किया गया है। यूनिफॉर्मली नहीं है, लगातार नहीं है सर, इतने में ये बिहेवियर है, इतने में ये बिहेवियर है। जैसे आपका बिहेवियर स्कूल में कुछ अलग होता है, पेरेंट्स के सामने कुछ और होता है, दोस्तों के सामने कुछ और होता है, मतलब आपका बिहेवियर क्या है बेटा नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड है ना? वैसे ही क्वेश्चंस में आप देखेंगे। अब इसको समझाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि कुछ थियोरी नहीं है, थियोरी आप जानते हो कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है बेटा एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर डालना, तो डायरेक्टली हम इसको क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे। और अगर इन केस किसी बच्चे को लगता है कि सर इस क्वेश्चन में सबसे बेसिक चीज क्या है, तो बेसिक चीज है बेटा ग्राफ आपको ड्रॉ होना चाहिए। ध्यान से समझिए, पहला क्वेश्चन मैंने इसलिए ग्राफ का लिया है कि एटलीस्ट आप ये समझ पाओ कि सर हमको ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है। जब मैं बेटा टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ा रहा था तो बहुत क्लियरली बोला था कि मैं पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ाने जा रहा हूं, और ध्यान देना कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, इवन पावर का ग्राफ कैसे बनता है, ऑड पावर का ग्राफ कैसे बनता है, मैंने वो चीज सारा डिटेल में दिया था। तो सबसे पहले देखेंगे बेटा 3 - x का ग्राफ कैसे बनेगा। लो जी सर, मुझे मालूम है, ध्यान से समझते जाओ, ग्राफ आने बेटा बहुत जरूरी है, इतना जरूरी जैसे इंसान को जीने के लिए खाना जरूरी है, मैथ्स पढ़ने के लिए ग्राफ जरूरी है। सबसे पहले बेटू आप बनाओगे एक्स का ग्राफ, मैंने बनाया सर वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ। देखिए वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनता है कुछ ऐसा, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, ये कहानी मैं कई बार बता चुका हूं, अब ध्यान से समझिए बेटा। क्या सर सिर्फ एक्स है? ना। क्या सिर्फ एक्स है? बिल्कुल ना सर, तो कौन है? माइनस एक्स। याद रखे बेटा, जब भी मैं फंक्शन के आगे माइनस लगाता हूं, वी हैव टू रिफ्लेक्ट दैट लाइन अलोंग वाई एक्सिस। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ जी सर। नहीं तो दूसरा तरीका क्या होता है बेटा कि उसी ग्राफ को पकड़ करके 180 डिग्री आप घुमा दो, तो जैसे ही आप माइनस एक्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो बेटू ये बन जाएगा कुछ ऐसा, इसका फोटो बन जाएगा कुछ ऐसा। सो येलो लाइन इज द ग्राफ ऑफ एक्स, ग्रीन लाइन इज द ग्राफ ऑफ माइनस एक्स, बट बेटा हमको माइनस एक्स का ग्राफ थोड़ी बनाना है ना,
तो क्या बनाना है सर? बेटा हमको बनाना है ग्राफ, हमको बनाना है ग्राफ 3-x का। ओके समझ गए सर, बहुत बड़ी चीज तो है नहीं। बिल्कुल नहीं बेटा, बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब समझिए ध्यान से कि क्या हो रहा है सर। लो जी ये -6 का ग्राफ मैंने बना दिया बेटा। 3 के आगे प्लस साइन है कि माइनस? सर प्लस साइन है, प्लस का मतलब ग्राफ 3 यूनिट ऊपर। बिल्कुल सर। अब बेटा एक बात बताओ कि अगर ये 0 से पास हो रहा है, मैं 3 यूनिट ऊपर करूंगा तो ये कहां से पास होगा? 3 से। सर अगर 4 रहता तो बेटा 4 से पास होता, 5 रहता तो सर 5 से पास होता। अब मैंने क्या किया बेटा, इस ग्राफ को 3 यूनिट ऊपर लेके चला गया और दुनिया वाले को बता दिया कि भाई ये पॉइंट और ये पॉइंट कौन है। ये पॉइंट आप एक्स एक्सिस पे निकाल लो। हर डायलॉग सुनना है आपको। अगर बेटू आप कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना चाहते हैं जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो पुट वाई इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि ऑन द एक्स एक्सिस वाई का वैल्यू 0 होता है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू 3-x। टू गेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आई विल पुट वैल्यू ऑफ वाई 0 एंड 3-x। फाइनली आप देख सकते हैं बेटा x का वैल्यू क्या हो गया, 3 हो गया। So, ये पॉइंट कितना हो जाएगा बेटा, 3,0। अब सर मेरा सिर्फ एक पॉइंट थोड़ी, ये ग्राफ तो सर यहां पे भी कट कर रहा था ना। बिल्कुल कट कर रहा था बेटा। तो ये पॉइंट कैसे निकालेंगे सर? क्योंकि आपको पॉइंट y एक्सिस पे चाहिए, यू विल पुट x इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं बेटा जैसे ही मैं यहां पे 0 पुट करूंगा 3-0 हो जाएगा एंड ओवरऑल क्या हो जाएगा, 3। दिस इज 0,3। बिल्कुल समझ गए सर, मजा आ गया, ठीक है। लेकिन सवाल बेटा 3-x ग्राफ बनाना नहीं था। ये बोल रहा है कि आप 3-x का ग्राफ बनाओ जब x लेस देन इक्वल टू 1 है। ओके समझ गया सर, अब कहानी को ध्यान से समझिए बेटा। नंबर लाइन पे x माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी ये होता है। मैं आपसे बोलूं 0 से छोटा तो आप बोलोगे सर देखो 0 ये छोटा मतलब लेफ्ट रीजन। मैं आपसे पूछता बेटा 0 से बड़ा तो आप बोलते सर 0 a ये वाला एंड बड़ा मतलब लेफ्ट राइट रीजन। अगर मैं आपसे बोलता कि बेटा 3 से छोटा वाला x बताओ तो बोलोगे कि सर देखो 3 इधर है, छोटा मतलब ये सारा रीजन आपका है। मैं आपसे पूछता बेटा 3 से बड़ा बताओ तो आप बोलते सर 3 इधर है और 3 से बड़ा इसके राइट साइड में। सवाल आपसे पूछ रहा है बेटा 1 से छोटा बताओ तो 1 तो कहीं यहाँ पे होगा ना सर। बिल्कुल बेटा, अगर 3 उधर है तो 1 कुछ इसके आगे होगा, मान लिया बेटा यहाँ पे। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 1 पे इस ग्राफ का वैल्यू क्या होगा? ये किसका ग्राफ है? y is equal to 3-x का। अब इसमें x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू क्या होगा बेटा, 2 होगा। कैसे सर? बेटा 1 पुट करके देख लो यहाँ पे, 3-1 2 होता है। समझ गए सर, मजा आ गया। अब ये सवाल बोल रहा है 1 से छोटा के लिए ग्राफ बनाना है तो 1 तो बेटा ये हुआ ना, 1 से छोटा मतलब सर, 1 से छोटा मतलब सर ये ग्राफ आपके काम में आएगा, लेफ्ट में जो ग्राफ लाई करता है। ये सब सारे क्या हो गए सर, ये सब सारे तो मुंह दिखाने के लिए आए थे, मैं इनको मिटा दूंगा कि देखो भैया आप हट जाओ, आप हमारे काम के लिए है नहीं। क्या ग्राफ बनाने सारे बच्चों को आया? आ गया सर। एक मिनट मैं रहने देता हूं, मैं नहीं मिटाता हूं, मैं छोड़ देता हूं, फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि असली ग्राफ कौन सा हो। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज गाइस कि हमको बेटा इसका ग्राफ बनाना है 2x का जब x 1 से बड़ा है। तो ध्यान से समझिएगा 2x का ग्राफ कैसे बनता है बेटा। y इक्वल टू x का ग्राफ बना ऐसा, y इक्वल टू ये क्या बन रहा है, y इक्वल टू x का ग्राफ बना ऐसा। और देखो जब मल्टीप्लाई होता है तो मैं ग्राफ को रोटेट कर देता हूं। किससे मल्टीप्लाई है सर? 2 से। तो बस हल्का सा रोटेट कर दीजिए, मतलब आप ये बोल रहे हो सर ये हो जाएगा एग्जैक्टली बेटा ये हो जाएगा। सर आपको कैसे मालूम, ध्यान से समझिए, आपको कैसे मालूम सर कि ये इतना ही रोटेट होगा यहाँ पे होगा? क्योंकि बेटा y इक्वल टू 2x है, तो जब x का वैल्यू 1 दोगे ना तो y 2 देगा, तो एग्जैक्टली ये ग्राफ 1 पे 2 ही देता। बात समझ में आ गई? आ गई सर। अब देखिए ग्राफ को मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं। बोल रहा है कि अगर ग्राफ 1 से छोटा है तो 3-x का ग्राफ लीजिए। पिंक वाला कौन सा ग्राफ है बेटा? y is equal to 2x का ग्राफ है। ग्रीन वाला कौन सा ग्राफ है? y equal to 3-x का ग्राफ है। क्वेश्चन इज कि व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 1 ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 3-x। तो मैंने देखा कि सर 1 तो ये था, 1 से छोटा तो सर ये वाला, 1 से छोटा मतलब लेफ्ट साइड आओ, और लेफ्ट साइड के करस्पॉन्डिंग ग्राफ कौन सा बन रहा है बेटा? ये वाला। तो मैं क्या करूंगा, ये ग्राफ को पेंट कर दूंगा। अच्छा मतलब आप ये बोल रहे हो सर कि ये ग्राफ मेरे काम का है? बिल्कुल ये ग्राफ मेरे काम का है सर। ठीक है सर जी, समझ गया, ये ग्राफ मेरे काम का है। एंड बाकी के सर ये वाले काम के नहीं है क्या? ना, ये वाले काम के नहीं है, डिलीट कर दो।
सर एक्स ग्रेटर देन वन का मतलब क्या होता है बेटा, कि वन इधर है राइट साइड चले जाओ, और राइट साइड के करस्पॉन्डिंग जो सर ये पिंक वाला ग्राफ मिल रहा है तो वो वाला ग्राफ आप एक्सेप्ट करोगे? बिल्कुल जी। तो बेटा फाइनली मैंने ग्राफ को एक्सेप्ट किया, ये वाला ग्राफ मेरे काम में आ जाएगा। ठीक है सर, ये वाला ग्राफ मेरे काम में आ गया। क्या बात समझ में आई सारे बच्चों को? अब बाकी ग्राफ का क्या किया जाए सर? बाकी ग्राफ मिटा दो क्योंकि आपके काम का नहीं है। क्या कहानी समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर। सो व्हाट इज द फाइनल ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन? फाइनल ग्राफ बेटा ये रहा, फाइनल ग्राफ आपका ये रहा, जो यहां पे वन पे टू दे रहा था। बात समझ में आ गई सर। सो ये रहा ग्राफ। नहीं समझे? कितने लोगों को समझ में नहीं आया? जस्ट रेज योर हैंड। You have to be very clear about this graph. अगर ग्राफ नहीं आ रहा है तो बेटा बहुत पंगा होगा इसको समझने में। तो बहुत सारे बच्चों को नहीं आ रहा है, तो let me explain it again. फिर से समझते हैं। बेसिक ग्राफ तो बेटू याद करना पड़ेगा आपको। लो जी, मैंने आपसे सवाल बोला draw the graph of y is equal to, या मैं f of x डाल दिया। देखो y और f of x सेम ही चीज होता है। मैंने बोला mod x या ऐसा डाल देता हूं माइनस x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और y इक्वल टू x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 2। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। सो ग्राफ ड्रॉ करना है बेटा माइनस x का, और ग्राफ ड्रॉ करना है x का। माइनस x का ग्राफ कब ड्रॉ करना है? जब x 2 से बड़ा हो। x का ग्राफ ड्रॉ कब करना है? जब x 2 से छोटा हो। ठीक है सर जी, समझ गया। तो पहले क्या करते हैं बेटा, ये छोटे बड़े का टेंशन छोड़ो, आप ड्रॉ करो ये दोनों फंक्शन का ग्राफ। लो जी सर, ये रहा मेरा एक्सिस। और रही बात y इक्वल टू x का ग्राफ ड्रॉ करने का, तो सर मुझे मालूम है लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन एंड बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। फोटो बनाया सर, फोटो बनाया तो बेटा ये रहा फोटो आपका, ये रहा, ये y इक्वल टू x का ग्राफ है। और किसका ग्राफ बनाने बेटा? माइनस एक्स का। तो सर माइनस एक्स का ग्राफ भी तो आता है ना सर, वाई इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ उल्टा होता है। समझ गए सर? क्या इनको ऊपर नीचे शिफ्ट करने का है? ना। क्यों सर? क्योंकि प्लस माइनस कुछ दिया नहीं सर। प्लस टू देता माइनस टू देता तो मैं ऊपर नीचे करता। प्लस टू देगा तो दो यूनिट ऊपर, माइनस टू देगा तो दो यूनिट नीचे। ऊपर नीचे करने का मतलब ओरिजिन से भगाओ ऊपर लेके जाओ, और माइनस करने का मतलब नीचे लेके आओ ग्राफ, खींच दो। ठीक है सर। अब बात कर रहे हैं बेटा दो, ये दो पे ग्राफ टूट रहा है। दो से आगे जाओ तो ऐसा बिहेवियर, दो से छोटा जाओ तो ऐसा बिहेवियर। दो मिलेगा कहां पे? दो मिल जाएगा बेटा यहां पे, दो मिल जाएगा यहां पे। येलो वाला किसका ग्राफ है सर? y इज इक्वल टू x का। ग्रीन वाला किसका ग्राफ है बेटा? y इज इक्वल टू माइनस x का। अब दो पे ग्राफ येलो वाले के करस्पॉन्डिंग है, तो अगर बेटू आप y इक्वल टू x का वैल्यू अगर यहां पे 2 रखोगे तो y करस्पॉन्डिंग कितना देगा? टू देगा सर। तो दो से छोटा के लिए, दो से छोटा समझो, दो से छोटा, दो से छोटा मतलब ये, दो से छोटा मतलब ये, और दो से बड़ा मतलब माइनस एक्स। बोल रहे हैं दो से छोटा के लिए मुझे एक्स वाला ग्राफ कंसीडर करना है, और दो नहीं नहीं हाँ दो से छोटा के लिए एक्स का ग्राफ कंसीडर करना है, दो से बड़ा के लिए माइनस एक्स ग्राफ कंसीडर करना है। ठीक है सर। तो बेटा देखो, अगर दो ये है, दो से छोटा तो सर मुझे लेफ्ट साइड मिलेगा, तो दो से छोटे में जितना लेफ्ट साइड में येलो ग्राफ होगा वो हमारे काम का हो जाएगा सर। इसका मतलब कि सर आप ये बोल रहे हो, इसका मतलब सर आप ये बोल रहे हो कि ये ग्राफ मेरे काम का है सिर्फ इतना। बिल्कुल, ये ग्राफ मेरे काम का है सर। बिल्कुल, ऊपर वाला ग्राफ सर काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा वो तो दो से बड़ा वाले के लिए होगा ना। दो से बड़ा वाले के लिए हमको येलो ग्राफ नहीं चाहिए, दो से बड़ा के लिए हमको ग्रीन ग्राफ चाहिए। तो मैं क्या करूंगा बेटा, इस ग्राफ को मिटा दूंगा सर। दो से छोटा के लिए मैंने ये ग्राफ ले लिया, दो से बड़ा के लिए बेटा कौन सा लेना है? दो से बड़ा के लिए सर ग्रीन ग्राफ लेना है। तो दो से बड़ा का मतलब क्या होगा बेटा? दो से बड़ा मतलब सर राइट साइड, और राइट साइड में तो सर ग्रीन का ग्राफ ये बन रहा है। तो मैंने क्या किया, हाईलाइट कर दिया। किसको हाईलाइट कर दिया भाई? सर ग्रीन वाले को। दो से बड़ा बेटा ये रहा ग्राफ, ये चलते जाएगा इन्फिनिटी पे, ये इन्फिनिटी पे चलते जाएगा, नीचे तक जाएगा। और उसके बाद मैं यहां पे बता दूंगा कि देखो सर एग्जैक्टली दो पे, एग्जैक्टली दो से कितना मिलेगा? माइनस एक्स का ग्राफ है तो माइनस टू मिलेगा,
बाकी के ग्रीन ग्राफ सर मिटा दो, जितना काम पे उतना ही रखेंगे ना। बिल्कुल सर, मिटा दिया। ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। क्या सारे बच्चों को समझ में आ गया? अब बताओ। हाँ जी सर, यस सर। सर यूं गया फिर यूं गया। अब देखो बेटा, दो पे ना येलो ग्राफ ऊपर गया तो वाई इक्वल टू एक्स में पुट किया, नीचे आया तो मुझे ग्रीन ग्राफ मिला, तो मुझे ग्रीन ग्राफ कौन सा था? -6। तो मैंने एक्स का वैल्यू जब 2 पुट करूंगा -2 बनेगा, तो -2 तो नीचे ही मिलेगा सर। हाँ जी सर बिल्कुल। क्या कहानी सभी बच्चों को समझ में आ गई है? आ गई है सर। यस सर, यस लेट्स कम टू सर। पिक्चर, सॉल्व करते हैं सवाल को। अगर एक सवाल समझ में नहीं आया आप दूसरा ट्राई करो, दूसरा नहीं आया तीसरा समझ तीसरा ट्राई करो। क्योंकि अगर ये सवाल बेटा मिस कर दिया ना, तो याद रखो आप एक बहुत अच्छे अप्रोच को मिस कर रहे हो। कितना समय लग जाएगा सर इसको समझने में? कम से कम 3 दिन, मिनिमम 3 दिन लग जाएगा, 2 दिन तो पक्का ही लग जाएगा। कितना टाइम देना पड़ेगा सर? बेटा पहला दिन खुद से करोगे बहुत कंफ्यूज होगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगे आप। दूसरा दिन करोगे थोड़ा सा चमकेगा, और तीसरा दिन पता नहीं सो के उठोगे और अपने आप पे बनने लग जाएगा। ऐसा जादू है इसमें, मेरा अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो 3 दिन तक पेशेंस रखना। वैसे टॉपिक शुरू होने से पहले ही बता दिया था कि बेटा थोड़ा जिंदा रहना, नमस्कार मत करना मेरे को, ठीक है? हाँ जी सर, समझ गए। स्टेप समझो। स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन के थ्रू मैं स्टेप्स बता दूंगा। सर पहला सवाल इसमें ये है कि मेरा एफ ऑफ एक्स कुछ ऐसा है, जी ऑफ एक्स कुछ ऐसा है, मुझे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालना है और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बेटा कि जैसे पढ़ते हो वैसा लिखने की कोशिश कीजिए। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा बेटा? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब कि सर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में जी एफ के अंदर जाता है, और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के मामले में सर एफ जी के अंदर जाता है। चलिए तो सबसे पहला बेटा मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, वाई इज इक्वल टू ना 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 एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के बारे में। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन समझ गए, सारा क्वेश्चन आप खुद से बना दोगे। ओनली वन क्वेश्चन इज सफिशियंट टू सॉल्व दिस कंपोजिट फंक्शन, जो नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड होता है। ध्यान से समझो, मजा आएगा आपको। स्टेप नंबर वन को मैं बोलता हूं, जो इंटीरियर में फंक्शन बैठा है, जो इंटीरियर में फंक्शन बैठा है वो चिल्ला चिल्ला करके बोलता है तू खींच मेरी फोटो। गाना सुने हो? यस सर, खींच यस सर। फोटो। तो ये भाई साहब बोलते हैं कि मेरा फोटो खींचिए आप। चलिए जी सर, स्टेप नंबर वन क्या है? मेरा फोटो खींचना है। बिल्कुल सर। सर स्टेप नंबर वन में मैं डायरेक्ट फोटो खींच दूंगा, आंख बंद करके फोटो खींचना मेरे भाई, आंख बंद करके फोटो खींचना, दिमाग थोड़ा भी नहीं लगाना है। तो अंदर में कौन बैठा है बेटू? जी ऑफ एक्स बैठा है। तो जी ऑफ एक्स का सर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा। एग्जैक्टली। कोई दूसरा तरीका है सर? देखो तरीका तो है, बट आई विल सजेस्ट कि अप्रोच एवरी क्वेश्चन ऑफ कंपोजिट फंक्शन थ्रू ग्राफ, क्योंकि बच जाओगे, टाइम बच जाएगा, कोई गलती होने का गुंजाइश नहीं रहेगा, आप मजा करोगे आप। ठीक है सर, बिल्कुल समझ गए। तो जी ऑफ एक्स बिटू है क्या? बारीकी से समझिए, आनंद आएगा आपको। क्वेश्चन करोगे तो दिमाग भी लगेगा सर कुछ तो किया हूं आज मैं। तो जी ऑफ एक्स को मैं एक बार लिख लेता हूं आपके सहूलियत के लिए, कि माइनस एक्स का ग्राफ बनेगा जब एक्स 1 से छोटा होगा, 1 - x का ग्राफ होगा जब x 1 से बड़ा होगा। बिल्कुल सर, अभी बताया आपने कि 1 - x और -x का ग्राफ कैसे बनेगा। लो जी सर, मैंने बना दिया। मैं वापस बता रहा हूं बेटा, एक क्वेश्चन सफिशियंट है, लेकिन फर्क यही होता है कि थोड़ा सा फोकस लगता है, तो थोड़ा अटेंटिव रहिएगा, मजा आ जाएगा। ठीक है सर, मुझे किसका ग्राफ बनाना है बेटा? -x का। -x का ग्राफ बनाना है सर, बचपन से ही सीखे सर -x का ग्राफ रहा ये। ठीक है सर, बिल्कुल समझ गया। और किसका ग्राफ बनाना है सर? और किसका ग्राफ बनाना है बेटा? 1 - x का। 1 - x ग्राफ क्या है कि आप -x का ग्राफ बनाए 1 यूनिट ऊपर लेके जाए। इसका मतलब कि सर एक ग्राफ में -x का ऐसे ही बनाता और इसको मैं थोड़ा सा 1 यूनिट ऊपर लेके जाता।
बात समझ में आया बेटा लोग? हाँ जी सर। अब देखते हैं सर, वन पे ग्राफ टूट रहा है, वन पे ग्राफ टूट रहा है तो जरा इसकी बात करते हैं। मैं आपसे पूछूं कि बेटा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है, तो आप बोलोगे सर ये ब्लू वाला ग्राफ है किसका, तो ब्लू वाला ग्राफ है बेटा वन माइनस एक्स का। तो जब वाई इक्वल टू वन माइनस एक्स का ग्राफ है और एक्स एक्सिस पे आप पॉइंट निकालना चाहते हो तो किसका वैल्यू जीरो रखोगे आप लोग? वाई का। वाई का। तो कितने बच्चे समझ गए वैल्यू वन है, तो ये हो जाएगा बेटा वन कॉमा जीरो। एंड ऑब्वियस ही बात है कि अगर वन यूनिट ऊपर की हो तो सर जीरो से वन पे ही जाएगा ना। हाँ जी सर, ये भी बेटा निकालोगे तो कौन सा आएगा, जीरो कॉमा वन आएगा। अब मैं क्या करता हूँ बेटा, इस वन के करस्पॉन्डिंग येलो वाले का वैल्यू देखता हूँ। येलो वाला किसका ग्राफ है? माइनस एक्स का। तो मुझे बताओगे बेटा ये कौन सा पॉइंट देके जाएगा? माइनस वन। माइनस वन। बहुत सुंदर जवाब बेटा। अब देखिए ग्राफ बना, सुकून से जिंदगी जियोगे आप, कुछ भी मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, बस क्या चाहिए तो आपका फोकस। अब ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, अटेंशन बहुत ज्यादा चाहिए। सर एक्स वन से छोटा है मतलब लेफ्ट वाला पोर्शन में माइनस एक्स को हाईलाइट कर दो। सर एक्स वन से छोटा मतलब लेफ्ट, लेफ्ट में मैं येलो पोर्शन को हाईलाइट कर दिया, राइट ये वाला नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि बेटा वन के राइट में आता है ना, वन के राइट में आ रहा है, देख रहे हो इसके करस्पॉन्डिंग ये आ रहा है। तो मैंने क्या किया बेटा, ये वाले ग्राफ को इज्जत के साथ हाईलाइट कर दिया। क्या बात, सारे बच्चे समझ पा रहे हैं मेरी? बिल्कुल समझ पा रहे हैं सर। क्या एग्जैक्टली वन पे इसको लेना है क्या? ध्यान से समझिए, क्या एग्जैक्टली वन पे लेना है क्या? ना सर, वन से छोटा के लिए लेना है। मतलब सर यहाँ पे जो वन पे आप माइनस वन ला रहे थे ना, ये कभी सॉल्यूशन में आएगा ही नहीं। इसका मतलब कि सर यहाँ पे एक वाइट सर्कल रहेगा। क्या कहानी समझ पा रहे हो? देखो भैया हमको वन से बड़ा के लिए ड्रॉ करो, तो वन से बड़ा मतलब वन की राइट साइड, और वन से राइट साइड मतलब सर ये ग्राफ, मतलब सर ये वाला पोर्शन डिलीट। एग्जैक्टली डिलीट कर दो। लो जी कर दिया हाईलाइट इसको, और ये वन से बड़ा और वन के बराबर के लिए ग्राफ है। अब बोलो सर नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए सर। देखो आराम से एक स्टेप समझोगे, क्वेश्चन बहुत आनंद देता है कॉम्पोजिट फंक्शन का। अब मैं किसको डिलीट करने वाला हूं बेटा, इधर से ये वाला सर डिलीट, एंड इधर से ये सारे डिलीट। मैं आपको क्यों बाद में डिलीट करा रहा हूं, क्योंकि जब आपको एक्सपर्टीज हो जाएगा बेटू तो इतना नहीं करोगे आप, डायरेक्टली बोलोगे सर यही ग्राफ आएगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा ना कुछ बना ऐसा, और यहाँ पे एक डॉट सर्कल आएगा। क्यों सर? क्योंकि ब्लू वाले ग्राफ में वन इंक्लूडेड था, तो मुझे वन को लेना पड़ा। अब मुझे जरा हैंडल्स करो बेटा, ये ग्राफ किसको समझ में नहीं आया है जल्दी से? कोई बच्चा नहीं यार, थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं बेटू, वेरी गुड। लो जी स्टेप नंबर वन डन। दूसरा स्टेप क्या है सर? दूसरा स्टेप हमारा यही है कि क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था एफ के अंदर जी को डालना है, तो डालो ना सर, शर्मा क्यों रहे हो? एफ के अंदर जी फंक्शन को इंसर्ट कराना है, और आपका एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो दिया था वो कुछ दिया था वन माइनस एक्स एंड एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स एंड एक्स स्क्वायर। When x is less than equal to zero and x square, when x is greater than equal to zero, बिल्कुल जी, equal to नहीं है, equal to तो एक ही जगह आएगा, बिल्कुल जी, ये रहा सर। सर क्या करना था वापस बोलिए? f के अंदर g डालना था, तो डाल दो भाई। तो f of, ध्यान से समझिएगा, f of g of x is equal to, मैंने यहां डाला तो बेटा one minus g of x हो गया, x के जगह पे gx मतलब यहां पे भी gx less than 0 हो गया, g of x का होल स्क्वायर हो गया, एंड g of x greater than 0 हो गया। मिस्टेक क्या होगा? कुछ सर गलती करने की गुंजाइश है? अरे गुंजाइश नहीं, बहुत बड़ा गुंजाइश है कि यू विल मिस दिस कंडीशन। जल्दबाजी में आप g of x को सिर्फ यहां पे लिखोगे और यहां पे लिखना भूल जाओगे। बी वेरी वेरी अटेंटिव, g
जी एफ के अंदर जी डालना है, मतलब हर जगह डालना है, भले कंडीशन हो, भले रेसिप्रोकल हो, भले स्क्वायर हो, जहां जहां एक्स दिखेगा बेटा आप डालोगे। ठीक है सर, समझ गया। अब अपने ग्राफ को देखो कितना सिंपल स्टेप है। फर्स्ट स्टेप तो खींच मेरी फोटो, दूसरा ग्राफ को अंदर डालिए, थर्ड क्या है सर, कुछ ना, थर्ड कुछ है नहीं, थर्ड अब आता है दिमाग चलाने की बारी। लेट्स टॉक अबाउट स्टेप नंबर थ्री। हमारा जो फंक्शन है बेटू ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। एक भी अगर आप समझ के ना, मैं गारंटी देता हूं बेटा सारा सवाल आप करने वाले हो। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स में सर देखो जी ऑफ एक्स लेस देन जीरो है, हम ट्राई करते हैं कि हमारा सवाल एक्स में कन्वर्ट हो जाए। हमारा टारगेट जी को इंसर्ट कराना नहीं है, हमारा टारगेट है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का वैल्यू बताएं। तो हम जी ऑफ एक्स को इंसर्ट कराते हैं, लेकिन अब जी ऑफ एक्स से पूछना पड़ेगा कि भैया आप अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग आंसर फेंकिए। मतलब सर कि सोचो कि जो आपने ग्राफ बनाया है जी ऑफ एक्स का, वो लेस देन जीरो क्यों हो रहा है, कब हो रहा है। तो एक बात समझ लो बेटा कि जितने भी फंक्शंस होते हैं सब वाई होते हैं, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, मॉड एक्स, कॉस एक्स, साइन एक्स, सारे वाई होते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई फंक्शन जीरो से बड़ा है तो आप एक्सिस के ऊपर देखोगे, मैं आपसे बोलूंगा बेटा कोई फंक्शन जीरो से छोटा है तो आप एक्सिस से नीचे देखोगे। सेम लाइक अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक्स जीरो से बड़ा है, मतलब जीरो के राइट साइड, एक्स जीरो से छोटा है जीरो के लेफ्ट साइड, क्यों, क्योंकि आप एक्सिस देखते हो। अब वाई बड़ा छोटा देखूंगा तो बेटा वाई एक्सिस तो ऊपर नीचे होगा ना, अगर एक्स बड़ा छोटा देखोगे तो एक तो सर लेफ्ट राइट होगा ना, एग्जैक्टली बेटा यही होता है। अब आगे समझते हैं सर, जी ऑफ एक्स लेस देन जीरो कब कब है। जी ऑफ एक्स का सर मैंने ग्राफ देखा, जी ऑफ एक्स जीरो से छोटा होने का मतलब होता है बेटा, बहुत केयरफुली समझिएगा कि एक्स एक्सिस के नीचे कौन कौन ग्राफ है। तो सर एक ग्राफ ये है और एक ग्राफ ये है। मैंने देखा कि सर जी ऑफ एक्स जब जीरो से छोटा है तो ये दो ग्राफ ले रहा है। सर अगर तीन ग्राफ लेता तो लेने दो भाई, वो 10, 15, 20, 50 ले लो, हमको क्या मतलब है सर। तो हमने देखा कि सर जी ऑफ एक्स ने ग्राफ दो लिया, एक येलो वाला देखो, ये रहा आपका वाई, वाई नीचे मतलब वाई लेस देन जीरो मतलब सर जितना नीचे ग्राफ आएगा डाउनवर्ड, किसके डाउनवर्ड, जीरो से छोटा। तो हमने देखा सर ये भी ग्राफ आ रहा है और ये भी ग्राफ आ रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा कितने ग्राफ लिया, दो, तो आप क्या करो इसको दो बार तोड़ दो, 1 - gx और 1 - gx तुरंत तुरंत लिखो दो बार, 1 - x, 1 - gx और 1 - gx तुरंत तुरंत लिखो दो बार। अब पूछो कि जी ऑफ एक्स जीरो कहां कहां बन रहा था, सर दो जगह बन रहा था तो मैंने दो जगह ब्रेक किया, कब कब बन रहा था, अब मजा आएगा सर। देखो येलो ग्राफ बेटा कब ले रहा है, जब जीरो से लेकर के एक्स मेरा वन तक करस्पॉन्डिंग, याद करो मैं रेंज जब सिखा रहा था तो ग्राफ सिखा रहा था, आपको बोल रहा था ना कि अगर एक्स यहां से यहां तक तो मॉड एक्स कैसे देखते हैं, मॉड एक्स यहां है तो एक्स कैसे देखते हैं, सारा चीज सिखा के रखो। तो जी ऑफ एक्स बेटा अब सिंपली ये देखना है कि अगर मैं येलो ग्राफ को एक्स एक्सिस पे छाप दूंगा पकड़ के, तो ये वैल्यू जीरो और यहां तक, मतलब देखो ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे यहां तक जा रहा है, एक्स पे देखना होता है वाई पे नहीं, तो आप ये मत देख लेना, एक्स पे देखो कि ये येलो ग्राफ कब से कब तक लिया बेटा, जब मेरा एक्स यहां से यहां तक दौड़ा तो मेरा ग्राफ ऐसा आ रहा था, मतलब जीरो से लेकर के वन तक। क्या वन येलो ग्राफ में इंक्लूडेड है, ना। क्या जीरो येलो ग्राफ में इंक्लूडेड है, यस। तो आप लिखोगे कि पहला सर ग्राफ मिल रहा है जब एक्स आपका क्लोज जीरो से लेकर के वन के बीच में है। दूसरा ग्राफ कौन सा मिला था सर, ब्लू वाला, ब्लू वाला ग्राफ कब मिला बेटा, जब एक्स मेरा ये वाला होगा, ब्लू वाला ग्राफ मतलब एक्स मेरा जब इधर जा रहा है, देख रहे हो इसके करस्पॉन्डिंग ये ग्राफ मिल रहा है, एक्स का वैल्यू देखो तो सर एक्स वन से लेकर के इनफिनिटी तक मिल रहा है, तो मैं लिख दूंगा एक्स वन से बड़ा और बराबर भी मिल रहा है क्योंकि ब्लू वाला ग्राफ में वन आ रहा था। तो एक वाला केस में निपटा दिया, एक केस मैंने निपटा दिया जी ऑफ एक्स लेस देन जीरो वाला। अब जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो का लेते हैं बेटा, जी ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब सर जी ऑफ एक्स कौन है सर, एक फंक्शन है, फंक्शन का मतलब सर वाई, वाई ग्रेटर देन जीरो का मतलब सर ग्राफ ऊपर,
चलो भैया देखते हैं ऊपर ग्राफ, ऊपर मतलब सर एक्स एक्सिस, इसके ऊपर कौन सा ग्राफ आ रहा है सर, ये वाला, इसके करस्पॉन्डिंग एक्स देखो तो यहाँ पे बेटा एक्स जीरो मिलेगा, और ये तो और आगे जा रहे हैं ना, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग सर एक्स कहाँ से कहाँ तक मिलेगा जल्दी बताओ, इनफिनिटी माइनस इनफिनिटी। मैं क्या लिखूंगा कि जब फंक्शन जीरो से बड़ा था तो एक्स माइनस इनफिनिटी से बड़ा था, या ऐसा लिख दूंगा कि एक्स माइनस इनफिनिटी से लेकर के जीरो तक दौड़ा। अच्छा ऐसा है सर, बिल्कुल जीरो तक दौड़ा। अब सर यहाँ पे इक्वल आएगा कि सर इक्वल नहीं आएगा, बेटा ऊपर पूछ लो कि जीरो के बराबर चाहिए था उनको, तुमने बोला ना भैया हम तो जीरो के बराबर नहीं थे, जीरो के बराबर तो हम ऊपर ही हो गए, अब यहाँ पे जीरो के बराबर नहीं था तो आप थोड़ी दोगे जीरो इसको ना। अब देखिए बेटा कि जी ऑफ एक्स जब जीरो से बड़ा हो रहा था तो फंक्शन कैसा था, जी ऑफ एक्स स्क्वायर, तो लिख दो जी जी ऑफ एक्स स्क्वायर। सर अब क्या करना है, अरे रुक जाओ, देखो मैं जानबूझ करके हर स्टेप को सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूं, आराम से क्लास के बाद आप एक घंटा दो घंटा जितना समय मिले इस पे दो। अब मैं एक्स को दौड़ा लिया, अब मैं जी एक्स से पूछता हूं, पूछो कि जब एक्स मेरा जीरो से वन था तो कौन सा ग्राफ था भाई, जीरो से वन में येलो ग्राफ, येलो ग्राफ किसका है सर, येलो ग्राफ है बेटा वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स का, ब्लू ग्राफ किसका है बेटा वाई इज इक्वल टू वन माइनस एक्स का। तो जब एक्स मेरा जीरो से वन के बीच में था तो ग्राफ कौन सा था, माइनस एक्स का, तो माइनस एक्स को उठा के लेकर फेंक दो सर उधर, बेटा ये है वन माइनस माइनस एक्स, ये होगा, ये होगा वन माइनस वन माइनस माइनस एक्स, जब मेरा एक्स जीरो से वन के बीच में आया, जब एक्स वन से बड़ा है तो बेटा कौन सा ग्राफ हो रहा है, ब्लू ग्राफ सर, एक्स वन से बड़ा के लिए ब्लू ग्राफ, ब्लू ग्राफ में क्या रखना है सर, जी ऑफ एक्स की जगह पे वन माइनस एक्स, तो रखिए सर इस कंडीशन में वन माइनस एक्स रख दीजिए आप, वन माइनस ऑफ वन माइनस एक्स, एक्स ग्रेटर देन वन के लिए, एंड जी ऑफ एक्स स्क्वायर जब एक्स मेरा माइनस इनफिनिटी से जीरो है, सर माइनस इनफिनिटी से जीरो में कौन सा ग्राफ बेटा, येलो वाला, येलो वाला किसका ग्राफ है, माइनस एक्स, तो इसके कंडीशन में आप माइनस एक्स रख देंगे तो ये हो जाएगा बेटा माइनस एक्स का स्क्वायर जब एक्स मेरा माइनस इनफिनिटी से जीरो था। सॉल्व कर लीजिए, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आ रहा है वन प्लस एक्स, एक्स आ रहा है और एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स मेरा जीरो से लेकर के वन तक है, एक्स मेरा वन से बड़ा है, एक्स मेरा माइनस इनफिनिटी से लेकर के जीरो तक है। थोड़ा इसको सुंदर लिखना होता है तो कुछ नहीं करते, पहले छोटे वाले रीजन को पहले लिखते हैं, आंसर आपका यहाँ पे भी हो सकता है, खूबसूरत बनाने के लिए जैसे टेक्स्ट बुक बनाता है मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि पहले छोटे वाले रीजन को पकड़ो, तो छोटा वाला कौन सा है बेटा माइनस इनफिनिटी से जीरो वाला, तो मैं पहले इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर वन एक्स माइनस इनफिनिटी से जीरो, फिर जीरो से बड़ा देखो, जीरो से बड़ा सर पहले ये आ रहा है, मैं ये लिखूंगा एक्स जो है सर जीरो वन के बीच में है तो वन प्लस एक्स है, फिर वन से बड़ा के लिए सर देख रहे हो मैं इनक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, एक्स ग्रेटर देन वन के लिए एक्स है, ये हमारा आंसर हो गया सर। बाप रे सर इतना मेहनत, अरे ना बेटा समझा रहा हूं तो टाइम लगा, खुद करोगे, खुद करोगे ना बोलोगे सर सच में मजा आ रहा है करने में, क्योंकि ये क्वेश्चन सच में बेटा दिमाग हिला देने वाला क्वेश्चन होता है, ठीक है बात समझ में आई बेटा लोग, यस सर, यस सर, आर यू ऑल अलाइव, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन सो बी अटेंटिव अगेन, ठीक है, एक ही क्वेश्चन कराया बट सारा क्वेश्चन खुद करना, मजा नहीं आया तो फिर बोलना, और मैं मान के चलता हूं बेटा कंपोजिट फंक्शन इज नाउ फिनिश्ड, मैं बोल रहा हूं एक क्वेश्चन सफिशिएंट है, सारे में वही काम करना है, फर्स्ट स्टेप किसी को स्टेप याद है बेटा, यस सर, चेक करो सर कि आपको निकालना क्या है, अगर मुझे निकालना होता जी ऑफ एफ ऑफ एक्स तो मैं किसका फोटो बनाता बेटा, जो अंदर बैठा है, मैंने आपको बोला ना कि जो अंदर बैठा रहता है वही बोलता है तू खींच मेरी फोटो, तो मैंने देखा सर इस क्वेश्चन में कि आपने निकाला एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ध्यान से समझिए एक बार फिर से समझा रहा हूं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स
तो सर देखा जी ऑफ एक्स अंदर फंसा है तो मैं जी ऑफ एक्स चिल्लाएगा, सर क्या चिल्लाएगा, तू खींच मेरी फोटो। तो मैंने सर जी ऑफ एक्स का कंडीशन उठा लिया और फोटो खींचने लगा। सर फोटो खींचने के लिए मैंने देखा सर जी ऑफ एक्स का दो ग्राफ बनाना है, एक माइनस एक्स और वन माइनस एक्स। माइनस एक्स कैसा बनता सर, ऐसा बनता। इसी ग्राफ में वन माइनस एक्स कैसा बनता बेटा, वन यूनिट ऊपर लेके चले जाओ तो सर ये ऐसा बना था। मैंने देखा सर ये पॉइंट कट कर रहा है वन पे और ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को जीरो पे। ये निकाल लेते हैं, जहां जहां ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट निकाल लो। ओके सर डन। फिर आप कंडीशन को देखो कि किस कंडीशन में कौन सा ग्राफ लेना है। ओके सर, एक्स वन से छोटा है तो माइनस एक्स का ग्राफ लो। वन से छोटा मतलब बेटा इधर वाला इतने सारे ग्राफ है तो मैंने ले लिया सर। जब एक्स वन से बड़ा और वन के बराबर है तो वन माइनस एक्स लेना है, तो वन से बड़ा के लिए भी सर ब्लू वाला ग्राफ, वन के बराबर के लिए भी ब्लू वाला ग्राफ। ग्राफ सर डन है। नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा कि जहां जहां, अब पहला स्टेप सर फोटो खींच लिया, अब बताओ क्या कर रहा है। अब कुछ नहीं, खींच के बाद पटक दो। जी ऑफ एक्स का फोटो खींचा, अब जी ऑफ एक्स को पटको अंदर। तो देखा सर एफ ऑफ एक्स का कंडीशन ये था, क्योंकि एफ ऑफ एक्स के अंदर जी ऑफ एक्स जा रहे हैं तो सर मैंने जी ऑफ एक्स डाल दिया, कुछ नहीं किया सर। जहां जहां एक्स दिखा मैंने जी ऑफ एक्स चिपका दिया। लेकिन गलती कहां पे करोगे बेटा आप लोग, क्योंकि सर यहां पे भी तो डालना पड़ेगा ना। बिल्कुल डालना पड़ेगा बेटा। तो जी ऑफ एक्स डाल दिया वहां पे भी और यहां पे भी। अब मैं फिर से फोटो के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा देख भाई जी ऑफ एक्स तू जीरो से छोटा कब हुआ। तो जी ऑफ एक्स तो फंक्शन है सर, फंक्शन जीरो से छोटा मतलब वाई जीरो से छोटा। वाई जीरो से छोटा का मतलब होता है सर वाई के निचले वाला जितना पार्ट होगा, एक्स एक्सिस के नीचे जितने ग्राफ होंगे सब आपके काम में आ जाएंगे। क्योंकि बेटा यहाँ पे दो ग्राफ काम में आ रहे थे तो मैंने दो बार तोड़ दिया उसको। इस कंडीशन को मैं दो बार तोड़ूंगा, एक बार दो बार, और मैं बताऊंगा कि देख भाई जीरो से छोटा में ना एक्स दो बार दौड़ रहा है। कैसे दौड़ रहा है कि एक बार एक्स जीरो से वन के बीच में ये ग्राफ ले रहा है, फिर वन से इन्फिनिटी के बीच में ये ग्राफ ले रहा है। मैंने तोड़ दिया कंडीशन को। मेरा टारगेट क्या है, we will try to convert the condition in terms of x only. So x में लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बेटा सवाल g of x में जा रहा है ना, कंडीशन g of x में जा रहा है, तो हमारा टारगेट किया अब x में लाओ। तो जैसे ही x में लाने की कोशिश की तो दो बार टूटा, एक बार जीरो से वन में और एक बार वन से बड़ा में। अब फिर मैंने पूछा कि जी ऑफ, अब इसका तो काम खत्म, जीरो से दो बार टूटा था मैंने दोनों लिख दिया। अब जीरो से बड़ा के लिए पूछा, जीरो से बड़ा मतलब बेटा एक्स एक्सिस के ऊपर वाला, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला ग्राफ ये रहा सर। ये क्योंकि एक ही बार है तो तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही बार मैंने लिखा इज्जत के साथ। और एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स जीरो से बड़ा मतलब बेटा कब हो रहा था, यहां से लेकर के यहां तक, इसके करस्पॉन्डिंग मैंने एक्स का वैल्यू देखना चालू किया तो सर ये जीरो से लेकर के माइनस इनफिनिटी तक निकल रहा है। तो मैंने लिख दिया कि जब बेटा जी ऑफ एक्स मेरा जीरो से बड़ा है तो करस्पॉन्डिंग एक्स माइनस इनफिनिटी से जीरो तक दौड़ रहा था। बिल्कुल सर। अब ये कंडीशन लिखते ही अब जी ऑफ एक्स से पूछ लो कि भैया जीरो से वन में आप कौन सा ग्राफ दे रहे थे। तो इन्होंने बोला जीरो से वन में मैं येलो वाला ग्राफ हूं, तो मैंने यहाँ पे येलो वाला ग्राफ में मतलब माइनस एक्स रख दिया था। देखिए आप, फिर मैंने देखा वन से बड़ा के लिए जी ऑफ एक्स क्या ले रहा था बेटा, वन से बड़ा के लिए जी ऑफ एक्स वन माइनस एक्स वाला ग्राफ ले रहा था, तो मैं इसके कंडीशन में वन माइनस एक्स पटक दूंगा सर। बिल्कुल सर। अब आप देखिए बेटा जीरो, जब ये x माइनस इनफिनिटी से जीरो था तो जी ऑफ एक्स कौन सा ग्राफ ले रहा था, माइनस इनफिनिटी से जीरो के लिए जी ऑफ एक्स माइनस एक्स का ग्राफ ले रहा था, तो मैं इसके कंडीशन में माइनस एक्स डाल दूंगा। सॉल्व किया, आंसर आ गया। सुंदर लिखना है, ऐसा लिख दो। नाउ आई थिंक कि अब आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिल गई होगी, है कि नहीं? यस सर। यस सर। That's all for the day. मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन B3 मैच में कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी B3 मैच में कराऊंगा।